quadratic equation or quadratic formula. Now the topic is 1.3. So we have to manipulate the quadratic formula in the in our equation to find the variable for case in case this is my x. So x, so general equation was Px square plus Bx plus C equals to 0. So this is the value of A, this is B, and this is C. So we have to find the value of X through this quadratic formula. So this is a direct formula or direct method to find the root of a given equation. So first we have to manipulate it. For example, in case X equals to minus B, first case, plus under root B square minus 4AC by 2A. So there must be a two solutions. Quadratic formula ko use karte hue hum do solutions ya do roots find karte hain. First, jab main plus karta hu apne is cube under root ki value ko, and second is x equals to minus b minus under root b square minus 4ac divided by 2a. So ye do mere paas x ki values yahan se hum find kar lenge. So moving towards the how to derive the quadratic formula. So derivation involves, as the general equation is ax square plus bx plus c equals to 0, which implies a does not equals to 0. So first thing is multiply or divide. First step is, step one, divide both sides by A. So क्या हो जाएगा मेरे पास, ए एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस बी एक्स बाय ए प्लस सी बाय ए एंड जीरो बाय ए मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो. सो दिस ए एंड दिस ए कैंसिल आउट. सो एक्स स्क्वायर प्लस बी ए बी बाय ए बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू जीरो. Now this is my form to complete the square. तो हमारा जो भी form हमें given होती है कि हमने इसे completing square में convert करना है, तो the general form must be in this equation. इस तरह की मेरे पास एक general form आती है to complete the square. So first हम इसमें completing square लगाएंगे. For completing square, as we know that this is my A. This is my plus 2ab. So it's my 2. The value of a is x. So humne jo value banani hai, that must be b by ax. So our b must be, or the second variable must be b by 2a. Why b by 2a? जब हम 2 इस 2 को b by 2a रखेंगे, इस 2 और इस 2 cancel out, तो b by a into x मेरे पास जो value आ जाएगी, this is the required value. So जो मेरा second term must be b by 2a square. So it must be, अब यहाँ मेरे पास positive है, तो square value must always be positive. So it's b by 2a whole square. Now ये term मैंने add की इस equation में, so I also minus or subtract from this equation, so minus b by 2a whole square plus the equation given is c by a equals to 0.
अब हमारे पास ये टर्म जो है बेसिकली ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नाउ इन टर्म ए इज एक्स एंड बी होल इज बी बाई टू ए, सो इट विल बी एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर प्लस और सॉरी माइनस माइनस बी बाई टू ए होल स्क्वायर प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू जीरो. सो अब इस इक्वेशन इस साइड को मैं इक्वेशन किस तरफ ले लूंगा, तो इट मस्ट बी एक्स प्लस बी बाय टू ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी बाय टू ए होल स्क्वायर माइनस सी बाय ए. सो दिस टर्म विल बी बी स्क्वायर अवर फोर ए स्क्वायर माइनस सी बाय ए. सो ये हो जाएगी मेरे पास फोर ए स्क्वायर और ये टर्म हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. सो एक्स प्लस बी बाय टू ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस वन, नॉट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. सो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी बाय टू ए एंड दिस विल बी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइड बाय टू ए. सो द एक्स वैल्यू विल बी एक्स इक्वल्स टू. नाउ अब यहाँ पे हमने अंडर रूट लिया है, तो जब हम एवेल्यूएट करते हैं कोई भी अंडर रूट वैल्यू, तो जो मेरे पास वैल्यू आती है इट मस्ट बी इन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हम ऐड करते हैं. सो एक्स माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए. सो एक्स इक्वल्स टू होल डिवाइड बाई टू ए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. सो एक्स मस्ट बी इस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे रूट्स निकलेंगे रूट्स मस्ट बी टू. सो फर्स्ट वैल्यू विल बी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए. तो ये मेरे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे एक्स की. सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेटिक फार्मूला फ्रॉम अ जनरल इक्वेशन. सो मूविंग फॉरवर्ड वन एग्जाम्पल टू डिस्क्राइब. सो इन केस मेरे पास इक्वेशन गिवन इज सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो. सो इस केस में मेरा जो ए है ए की वैल्यू है सिक्स, बी की वैल्यू है माइनस थ्री और सी की वैल्यू माइनस टू. सो एक्स मस्ट बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए. सो एक्स इक्वल्स टू बी इज माइनस थ्री प्लस माइनस बी स्क्वायर इज माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस फोर ए एंड सी डिवाइड बाई टू ए टू टाइम्स ऑफ सिक्स. सो एक्स इक्वल्स टू थ्री प्लस माइनस 57 बाई 12. सो यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, दैट x इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट 57 डिवाइड बाई 12. दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0.879 एंड x इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट 57 बाई 12.
So it must be minus 0.379. So ये मेरे पास x की दो values आ गई यहाँ पे. So this is the method to find the value of x. कि मेरे पास जब मेरी equation है उसका highest root क्या है, 2 है. So there must be 2 roots. So by using quadratic equation हम अपनी variables की value find कर सकते हैं directly. So that's all from this lecture. Hope you understand each and everything. Goodbye from there.